ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर मोहसिन खान टीवी के दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान मोहसिन ने बताया कि बीते साल उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था, उनका लीवर फैटी था जबकि वो शराब भी नहीं पीते। मोहसिन ने बताया कि इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और काफ़ी दिक्कतें हो गई थी जिसका उन्हें खुद सामना करना पड़ा। जब उनसे वो पूछा गया कि मोहसिन ने बताया कि शायद लेट खाने और सोने की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। कार्डियोलॉजिस्ट से जाने क्या ऐसी लाइफस्टाइल की जो दिक्कतें हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ पर ख़राब असर डालते हैं। मोहसिन खान के हार्ट अटैक पर हमने पता करा तो हमें बताया गया कि कैसे हमारे सोने और जागने की वजह से हमारी उम्र कम हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि खाने पीने और अगर अनुशासन ना हो तो इसके खामियाजा हमारे दिल को भुगतना पड़ता है। टाइम से खाना ना खाने से स्ट्रेस बढ़ता है। इसके अलावा सोना जागना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो स्ट्रेस होता है, खाना ठीक से नहीं पचता। वहीं कम सोने वालों का खाना नहीं पचता, वो अलर्ट नहीं रहते, उनका हार्ट रेट बढ़ा रहता है, उन्हें घबराहट और उलझन होती रहती है, उनके शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और अंत में उन लोगों की उम्र पर काफ़ी असर पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया कि ये जिनकी नाइट शिफ्ट है वो लोग भी शिफ्ट के हिसाब से लाइफस्टाइल रीशेड्यूल करें, रात में अपना काम निपटा कर दिन में पूरा रेस्ट लें। ऐसा ना करने पर लाइफ कम हो जाती है। अपने स्कैंडिन रिदम ठीक करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, इसमें कम से कम 6 घंटे की नींद लें, आने में 8-8 घंटे का इंटरवल हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ेंगे, आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रखना है तो 10 से 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें, ये गैप रात और सुबह के खाने में ही रखें। ओवरनाइट फास्टिंग ठीक है लेकिन दिन में लंबा गैप नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाना ज़रूर खाएं, इसके बाद रेस्ट करें। दिल की बीमारी से फैटी लीवर के कनेक्शन पर डॉक्टर ने बताया कि फैटी लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं, अपनी डाइट बैलेंस रखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट फाइबर्स की संतुलन अलग हो। अगर फैटी लीवर है तो कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, दाल छोले राजमा कड़ी ये सब ज़्यादा खाएं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।